हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल रियल पूजा में। आज मैं आपको नैरो पैंट बताने जा रही हूँ जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। उसके लिए हमें ये दो स्केल चाहिए, जिसमें एक ये सीधा स्केल और एक ये शेप पट्टी। ये आपको किसी भी टेलर की शॉप पर मिल जाएगी। इसके बिना आप नैरो पैंट की कट नहीं कर सकते। ये दोनों शेप पट्टी आपको चाहिए। ये कैची हो गई हमारी और ये हमारा है 2.25 मीटर कपड़ा और हमारा ये मेजरमेंट, जिसमें ये देखिए आप मेजरमेंट है हमारा पैंट का। मोरी हमारी 13 है, थाई 26, फुल लेंथ हमारी 35 और बेल्ट कमर हमारी जो है 40। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा जो फैब्रिक है, इस तरीके से बंद साइड हमारी इस साइड है और ओपन साइड इस साइड है। डबल लेयर हमने ले ली यहाँ पर। सबसे पहले हम यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, जिससे कि हमारा कपड़ा तिरछा हो तो इसमें झोल वगैरह ना आए। उसके बाद हम सेफ पट्टी की मदद से एक लाइन इस साइड ड्रॉ करेंगे। अब हम लेंगे अपना आसन का फॉर्मूला। आसन जो हमारा है थाई के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लेंगे 1 इंच ऊपर छोड़कर 10.5। ये 10.5 पर हमारे हो गया। इसको हम अब सीधा कर लेंगे। और हम यहाँ पर लेंगे लेंथ। लेंथ हमारी है 1 इंच ऊपर छोड़कर 35 में ही लेंथ ले ली। और इन निशानों को हम सीधा मिला लेंगे। और ये हमारा इस साइड से मार्जिन। अब हमें सेंटर लाइन लेनी है पैंट में, जो हमारी क्लीन लाइन होती है। तो उसके लिए हमारी ये कितनी थी थाई 26 थी। 26 का हाफ हमारा हो गया 13। तो हमने यहाँ पर 13 का निशान लगाया इस तरीके से। अब 13 का हाफ कितना होएगा, ये देखिए इस तरीके से 13 का हाफ हमारा हो गया 6.5। तो हम यहाँ पर 6.5 लेंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है, देखिए ये जो हमने एक्स्ट्रा लाइन खींची थी उसको मिलाकर हमारा यहाँ पर 7.25 आ रहा है टोटल। तो 7.25 ही हम यहाँ लगाएंगे ऊपर। और नीचे भी हम यहाँ से 7.25 लगाएंगे। अब हम इन निशानों को सीधा मिला लेंगे इस तरीके से। 7.25 यहाँ भी हम 7.25 करेंगे। इन सबको हम इस तरीके से मिला देंगे। ये देखिए ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट। अब हमें अपनी कमर लेनी है। कमर अपनी हमारी कितनी थी 40। तो 40 का हमारा 4th हिस्सा जो आएगा 10। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 10। और 10 में हम यहाँ पर 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये हो गया 2.5 इंच एक्स्ट्रा। यहाँ से इससे हम 1.25 या 1.5 पर हम यहाँ पर निशान लगाते हैं अंदर की साइड। इसको और इसको हम मिला देंगे। मार्जिन हमारा इसमें आ गया, बेल्ट में जो मार्जिन होता है इस तरीके से हम मिला देंगे।
ये मिल गया, और इसको हम यहाँ से राउंड कर देंगे इस तरीके से। ये हो गया हमारा राउंड, और हमारी जो मोरी थी वो कितनी थी, तो देखिए मोरी का निशान ये है हमारा, तो ये हमारी जो सेंटर की लाइन है इससे मोरी हमारी 13 थी, तो 13 का हम हाफ करेंगे कितना आएगा 6.5। ये इस तरीके से 13 का हाफ 6.5, 6.5 का हम यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे, और 6.5 का हाफ करेंगे कितना होगा, ये देखिए इस तरीके से 6.5 का हाफ आ गया हमारा 3.25। तो 3.25 पे हम यहाँ लगाएंगे निशान, और 3.25 पे यहाँ लगाएंगे। ठीक है, अब सेफ पट्टी की मदद से, ये हमारी सेफ पट्टी है, इसको इस तरीके से यहाँ इस तरीके से रखेंगे हम। ये जो हमारा यहाँ से था, और इसको इस तरीके से मिला देंगे यहाँ से यहाँ तक, ये ऑटोमेटिक हमारा राउंड पैंट की शेप आ जाएगी। और इसको हम इस तरीके से तिरछा करेंगे यहाँ से थोड़ा सा, इस निशान को इस तरीके से तिरछा यहाँ पर अंदर के लिए, और ये सीधा आएगा हमारा। अब हम करेंगे इस राउंड की शेप को, इधर आते हुए हम इस स्कूल को इस तरीके से कर देंगे, और इसको यहाँ पर इसको हम ऐसे मिला देंगे। ये देखिए ये हमारी हो गई नैरो पॉइंट, और इसको हम कर देंगे सीधा, इस साइड से तिरछा इधर से सीधा। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, अब करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के लिए हम इसको पहले कटिंग कर लेंगे, इसमें कुछ भी हमें एक्स्ट्रा नहीं रखना, सब इसमें मार्जिन हो गया। अब इसको हम सीधा इस तरीके से कट कर लेंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, इसको हम इस तरीके से फोल्ड करके अब लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए हम इसको इस तरीके से घुमाएंगे, ये इसमें हमारा बंद वाला हिस्सा अपनी साइड आएगा और ओपन उस साइड, ये यहाँ से हमने कटिंग करी थी, तो यहीं से हम निकालेंगे। इसको रखेंगे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर, ठीक है। अब सबसे पहले ये हमने बिल्कुल मिला लिया इस तरीके से, और हम ये जो हमने एक्स्ट्रा ऊपर लगाया था इसको भी हम, अब देखिए यहाँ पहले इस लाइन को मिलाएंगे, इसको एक लाइन इसको एक्स्ट्रा करेंगे यहाँ से आगे थोड़ा सा, और इसको मिलाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें लेना है 1.5 इंच एक्स्ट्रा, ये 1.5 इंच, और ये हमारा जो है यहाँ सेंटर पॉइंट इस तरीके से। पहले इसको सीधा करेंगे,
इससे हम इस निशान को अब सीधा करेंगे। ये देखिए 1.5 इंच ये हमारा जो नीचे का आ रहा है, यहाँ से हम लेंगे ये जो तिरछा कट आ रहा है, यहाँ से तिरछे पे से तिरछा ही लेंगे हम 1.5 इंच, यहाँ से 1.5 इंच, 1.5 इंच यहाँ से, यहाँ से भी 1.5 इंच, और हम इसको ऐसे मिला लेंगे तिरछा, और 1.5 इंच हम यहाँ से लेते हुए, ये देखिए 1.5 इंच, ये हमारा भी 1.5 इंच, हम ये सारा लेते हुए आप शेप पट्टी की मदद से हम इसको यहाँ से 1.5 इंच में लगा देंगे बैक वाले पार्ट में। ये 1.5 इंच का ये मार्जिन हमारा, उसके बाद हमारा ये जो सेंटर पॉइंट आ रहा है उठकर, इससे हम यहाँ पे सीधा पॉइंट लगाएंगे और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से एकदम सीधा सीधे निशान लगाएंगे इस तरीके से। देखिए ये हो गया हमारा सीधा निशान, सीधा निशान से इस निशान से हमें 2.5 इंच ऊपर लेना है, यहाँ से ये 2.5 इंच पर हम यहाँ पर बैक वाले में यहाँ लेंगे 2.5 इंच का, ये उठाकर अब हम इसको और इसको इस तरीके से तिरछा यहाँ से मिला देंगे। बैक वाला पल्ला जो हमारा हैवी होता है हिप के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा उठ कर आएगा इस तरीके से। तो चलिए दोस्तों अब इसकी करते हैं कटिंग। ये हो गया हमारा फ्रंट और ये हो गया बैक, तो ये देखिए इसकी कटिंग इस पर सेम टू सेम इसी के ऊपर कर लेंगे। और यहाँ पर भी हमें राउंड नेक देना है, इस तरह से राउंड करना है इसको ये बैक वाले पर, ये कटिंग। ये देखिए आधा आधा इंच यहाँ से हमने मार्जिन लेकर और आधा इंच छोड़कर हमें यहाँ से कटिंग करनी है इसकी, यहां से तिरछा। ये हो गई दोस्तों, अब हमें ये कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा निकाल देना है और यहाँ से हम करेंगे ये कटिंग। ये हो गई हमारी कटिंग और यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से, ये हमारे निशान आ जाएंगे दोनों में। और ये जो हमारा इस रकम ये कट करेंगे, ये देखिए जो हमारा एक्स्ट्रा था यहाँ से, ये दोनों एक साथ कटे होंगे। ये हमें सेंटर की जो पॉइंट था उस पर हमें 4.25 या 4 इंच पर यहाँ पे प्लेट का निशान लगा लेंगे इस तरीके से फर्स्ट पार्ट में, और इसको हम यहाँ से इस तरीके से बैक पर भी लगाएंगे। ये हो गया हमारा बैक का। तो ये मैंने आपको जो नैरो पैंट कट करके दिखाई है, ये हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं इसके। और बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमें यहाँ मार्जिन वगैरह कैसे देखना है, तो मार्जिन हमने फ्रंट में तो कुछ भी नहीं करना, सेम टू सेम ऐसी कटिंग करनी है, और बैक में हमने जो 1.5 इंच यहाँ पर मार्जिन लिया है उसमें हमारा सारा कवर हो गया, और हमने कमर में भी यहाँ 2.5 इंच मार्जिन लिया है, तो समझ लीजिए सारा हमारा इसमें कवर हो गया। इसकी फिटिंग बहुत परफेक्ट बैठेगी। अगर आपको इसकी कटिंग देखनी है तो मुझे
लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो जय साईं राम दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।